ये एक बहुत ही अद्भुत किताब है और इसने मुझे अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए प्रेरित किया है। हम इसे केवल एक दिन में नहीं बदल सकते हैं, बल्कि इसे हमें दिन ब दिन प्रतिबंधित करना होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर वन, रचनात्मक कार्य पहले, प्रतिक्रियात्मक कार्य दूसरे। फोन और ईमेल बंद करके अपनी प्राथमिकताओं पर रचनात्मक कार्य के लिए हर दिन समय का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉक करना, इससे असहजता महसूस होती है और कभी कभी लोग परेशान भी हो जाते हैं। खाली इनबॉक्स के लिए अपने सपने सौंपने से बेहतर है कि कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों पर निराश कर दिया जाए, अन्यथा आप व्यावसायिकता के भ्रम में अपनी क्षमता का बलिदान दे रहे हैं। एक बेहतरीन दैनिक दिनचर्या के निर्माण खंड अपनी ऊर्जा के स्तर की लय से शुरुआत करें। नंबर टू, रचनात्मक ट्रिगर्स का प्रयोग करें। समान उपकरण, समान परिवेश, पृष्ठभूमि संगीत को व्यवस्थित रखें ताकि वो आपके रचनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सहयोगी ट्रिगर बन जाएं। नंबर थ्री, कार्य सूची रेंगना प्रतिबंधित करें। अपनी दैनिक कार्य सूची को सीमित करें। एक 3x3 पोस्ट ये एकदम सही है। यदि आप उस आकार की सूची में सब कुछ फिट नहीं कर सकते हैं तो आप ये सब एक दिन में कैसे करेंगे। नंबर फोर, हर प्रतिबद्धता पर कब्जा करें। नंबर फाइव, अपने दिन में कठोर किनारे स्थापित करें। वास्तव में प्रभावी दिनचर्या हमेशा व्यक्तिगत होती है। आपकी अपनी प्रतिभा और झुकाव के अनुकूल आवृत्ति की शक्ति का दोहन हम छोटी छोटी अवधि में क्या कर सकते हैं इसका अधिक अनुमान लगाते हैं, और लंबी अवधि में हम क्या कर सकते हैं इसे कम आंकते हैं, बशर्ते हम धीरे धीरे और लगातार काम करना चाहते हैं। लंबे समय में फ्रिक्वेंसी की अस्वाभाविक आदत उत्पादकता और रचनात्मकता दोनों को बढ़ावा देती है। कारण, फ्रिक्वेंसी प्रारंभ करना आसान बनाती है, आवृत्ति विचारों को ताजा रखती है, फ्रिक्वेंसी दबाव को दूर रखती है, आवृत्ति रचनात्मकता को जगाती है, आवृत्ति आवृत्ति का पोषण करती है, आवृत्ति उत्पादकता को बढ़ावा देती है, आवृत्ति एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है। कदम दर कदम आप अपना रास्ता आगे बढ़ाते हैं। दैनिक लेखन अभ्यास या दैनिक ब्लॉक रखना, आप स्वयं को कार्य करते हुए देखते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप कार्य कर सकते हैं। प्रगति आश्वस्त करने वाली और प्रेरणादायक है। जब आप पाते हैं कि आप दिन ब दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो घबराहट और फिर निराशा शुरू हो जाती है। काम टालने की चिंता अक्सर लोगों को भविष्य में झुकने की संभावना भी कम कर देती है। अपने रचनात्मक अभ्यास का सम्मान करना रणनीति अभ्यास करने की है, और अभ्यास करने का मतलब नियमित और विश्वसनीय ढंग से काम को आदतन तरीके से करना है। लक्ष्य हासिल करना कठिन है क्योंकि ये आपको आलोचना के लिए खोलता है। ये आपको दुनिया में ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करता है जो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि कल आपको ये भी जानना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपने जीवन भर ये जानने के लिए साइन अप किया है कि आप क्या कर रहे हैं। अपने कार्य दिवस में नवीनीकरण का निर्माण करें। आपकी क्षमता सीमित है। जो बदल गया है वो है कि डिजिटल तकनीक और बढ़ती जटिलता के बीच हमारे पास पहले से कहीं अधिक जानकारी और अधिक अनुरोध तेजी से और अधिक लगातार आ रहे हैं। मनुष्य लंबे समय तक तेज गति से लगातार काम करने के लिए नहीं बना है। हम अपनी ऊर्जा खर्च करने और उसे नवीनीकृत करने के बीच अधिक लयबद्ध तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसा कुशलता से करके आप कम से कम में गुणवत्ता के उच्च स्तर पर अधिक टिकाऊ तरीके से अधिक काम कर सकते हैं। कुछ प्रमुख वैज्ञानिक निष्कर्ष इस ओर संकेत करते हैं। भोजन से ज्यादा जरूरी है नींद। हमारा शरीर अल्ट्रा डीएन लय के रूप में जाना जाता है। 90 मिनट की अवधि जिसके अंत में हम उच्चतम स्तर पर काम करने की अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंचते हैं। एक दिनचर्या जिसमें नवीनीकरण शामिल है। सबसे पहले जेके को चिंता थी कि देर से काम पर जाने और दोपहर के भोजन के समय टहलने के लिए समय निकालने से वो कम उत्पादक हो जाएगा। इसके बजाय जब वो वापस लौटा तो उसने पाया कि वो अधिक कुशलता से काम कर रहा है और दिन के दौरान और भी अधिक काम कर रहा है। जेके अब अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले निपटाने के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है। अब वो समझता है कि वो ये है कि जब वो अपने दिन में नवीनीकरण करता है, जब वो सही लय स्थापित करता है तो उसके जीवन में सब कुछ बेहतर काम करता है। एकांत के लिए जगह बनाना। आज ये जरूरी है कि हम एकांत पाएं ताकि हम सीख सकें कि ये हमें क्या सिखाना चाहता है, ताकि हम अपने आंतरिक आवाज को सुनने के लिए शांति पा सकें और ताकि हमें वास्तव में ध्यान केंद्रित करने और सृजन करने के लिए जगह मिल सके। यहां तक कि प्रतिदिन एकांत के लिए रखा गया छोटा सा समय 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। मन की ये शांति हमें ये पता लगाने में मदद करती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, और अपनी रचनात्मक आवाज सुनने में मदद मिलती है जो हमारे दैनिक कार्यों और ऑनलाइन इंटरैक्शन के शोर में दब सकती है। जगह बनाना। अब अपने एकांत के पहले चरण के लिए समय निर्धारित करें
और इसे अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। एक सरल एकांत अभ्यास। अभ्यास करने का एक अद्भुत तरीका दिन में एक बार सरल अभ्यास करना है या ध्यान सत्र है। बैठने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बैठना ही मुद्दा है। आप इसे तनाव कम करने, आत्मज्ञान प्राप्त करने या अपने बारे में अधिक जानने के लिए नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये सभी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ बैठने का अभ्यास करने के लिए, ऐसा करने पर आप अकेले रहने का अभ्यास कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जरूरी है चाबी छीनना। बाकी सब चीजों से पहले बढ़िया काम, तुरंत अपनी रचनात्मकता शुरू करें। साहचर्य ट्रिगर, एक ही संगीत सुनना या अपनी डेस्क को एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करना जो आपके दिमाग को बताता है कि काम पर जाने का समय हो गया है। आवृत्ति महसूस करें, पल्स और विराम, गेट लोनली, मूड का इंतजार ना करें। दिखाएं, चाहे आप प्रेरित महसूस करें या नहीं, रचनात्मक सोच के लिए समय का निर्धारण करें। हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एक साथ व्याकुलता का विरोध करने और उसे अपनाने के लिए कहा जा रहा है, एक परेशान करने वाला विरोधाभास। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।